नमस्कार, मैं हूं शिवांगी शुक्ला। प्राइम न्यूज 24 में स्वागत है आप सभी का। खबर एटा से है। खबर एटा जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला कटरा में एक मकान पर कब्जा को लेकर फायरिंग एवं मारपीट को लेकर है, जहां एक मकान के स्वामित्व को लेकर दो पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी को लेकर एक पक्ष ने अपना कब्जा करने के लिए मकान में कुछ अवैध निर्माण पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसकी सूचना दूसरे पक्ष ने पुलिस को दी। मौके पर जैसे ही पुलिस बल पहुंचा, वहां पथराव व फायरिंग शुरू हो गई। गोलीबारी से वरुण शर्मा अधिवक्ता व एक राहगीर घायल हो गए। दिन दहाड़े हुई पथराव व गोलीबारी से लोगों में दहशत व्याप्त हो गई। घटना के समय घर में मौजूद उपद्रवियों को पुलिस ने बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 7 लोग हिरासत में बताए गए हैं। गोली लगने से एक की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। शहर के कृषि विभाग के सामने कटरा मोहल्ले में बने एक मकान पर कब्जा को लेकर सोमवार की साय करीब 4 बजे जमकर लाठी डंडा ही नहीं चले बल्कि फायरिंग हो गई। इस घटना में कटरा मोहल्ला निवासी अधिवक्ता राजेंद्र सिंह के पुत्र अधिवक्ता वरुण शर्मा एवं सुंदर स्ट्रीट एटा निवासी राहगीर अरबाज पुत्र कल्लू खा को गोली लग गई। इस दौरान पहुंची पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। घटना के बाद एक पक्ष ने आरोप लगाया कि दूसरा पक्ष पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचा और मारपीट तथा फायरिंग करते हुए मकान में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि कब्जा कर लिया। पुलिस पर यह भी आरोप है कि महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। किसी भी तरफ से FIR दर्ज नहीं हो सकी थी। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। क्या मामला, फायरिंग क्यों हुई है, कौन आरोपी कौन है? ये थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में कटरा मोहल्ले में दो अधिवक्ता परिवारों में एक मकान के स्वामित्व को लेकर सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। दोनों ही पक्ष इस मकान में जो किराएदार हैं उस पर अपना स्वामित्व बताते रहे हैं, क्योंकि सिविल कोर्ट से इसमें स्टे है, तो इसलिए बार बार स्थानीय प्रशासन द्वारा सिविल कोर्ट के आदेश का अनुपालन पक्षों से कराने के लिए इनको बताया जाता रहा है। आज राजेंद्र शर्मा जो XDGC रहे हैं, उन्होंने मकान स्वामित्व को लेके यहाँ जो किराएदार थे रेखा शर्मा, उनके अपने रिश्तेदारी में बाहर जाने की दशा में ये दरवाज़ा उनका अंदर से चिनाई करवा के उसको उनके सामान गायब कर दिया और कब्जा करने का प्रयास किया। बाद में जब वो आई, उन्होंने सूचना पुलिस को दी, पुलिस यहाँ मौके पर आई तो उस पर उन्होंने उत्तेजित होकर पुलिस के सामने उनके पुलिस वालों को गायब किया। तो इसमें राजेंद्र शर्मा अधिवक्ता को मैं लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ कारतूस के साथ और परिवार के 6 और लोगों को जो पथराव कर रहे थे उनको पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। जो एक राहगीर इंजर्ड हुआ था तो उसको जिला चिकित्सालय इलाज के लिए भेजा गया है। FIR दर्ज हो रही है। अभी घटना में शामिल राजेंद्र शर्मा सहित सभी 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिवॉल्वर कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। इसमें ठोस विधिक कार्रवाई करेंगे, गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा, क्योंकि दिन का मामला है, लंबे सड़क का मामला है, तो इस पर NSA की भी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। सर, इसमें स्थिति और कहाँ रेफर किया गया? पेशेंट अभी तो आया तो है पर वो स्टेबल है, वाइटल उसके स्टेबल है, उसको हमने आगरा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। कहाँ पे उसके गोली लगी है? किस छाती में, दाएं तरफ। कैसी स्थिति है उसकी? स्टेबल है। यहाँ से आईटीआई किया था? तो यहाँ क्या घटना हुई थी? अभी आ गया था, अभी ये लोग पूरी फोर्स के पास पहुँचे, फोर्स के साथ पहुँचे और ईंटें फेंकी और पूरा झगड़ा किया। हम लोगों ने बचाव किया, बचाव में इन्होंने कोई बात नहीं मानी और वो हमारे उसमें घर में जो है कब्जा ले लिया पूरा और पूरे दरवाजे तोड़ दिए, सब कुछ फोड़ दिया। वरुण को गोली मार दी, हमारे बेटे को जो एडवोकेट है वरुण शर्मा एडवोकेट, तो उसको गोली मार दी। तो वो कहाँ पे है वरुण? अभी वरुण शर्मा यहीं आया था, अभी थाने आया था हमारे साथ, अब पता नहीं क्या ले गए। तो अभी अभी पुलिस कितने लोगों को, कितने लोगों को पुलिस ने थाने लाई आपकी तरफ? अभी 5-7 लोगों को लाई है। कौन कौन है इसमें? इसमें राजेंद्र शर्मा है, सिंटू है और चंद्रपाल, सौम्या वरुण की पत्नी, वरुण, गरिमा
धर्मा कौन आपकी बेटी? धर्मा बेटी है मेरी। आप सरकारी वकील भी हैं? मैं सरकारी वकील हूँ 20 साल से। तो आपको तो लॉकअप में नहीं रखा जा सकता? हाँ। अरे ये अभी कहीं भी रख सकते हैं भाई। राज्य रामू भटेले का चल रहा है ना, अविनाश शर्मा रामू भटेले का। रामू भटेले कौन है? रामू भटेले ये जो है उसके बीजेपी के वो है जिला उपाध्यक्ष और संस्कार भारती के वो है प्रांतीय संरक्षक। इनके खिलाफ हम 15 दिन अनशन पे बैठे जब ये अवैध कब्जा कर रहे थे हमारे मकान पे, और फिर भी नहीं माने, अवैध कब्जा कर लिया। और वो जो जिससे इन्होंने कब्जा लिया वो बिल्कुल इलीगल कब्जा लिया। हाई कोर्ट से यथास्थिति की स्थिति थी, दो दो मुकदमे हम जीते हुए हाई कोर्ट तक अपने किराएदार से और अपने उससे, उसके बावजूद भी रामू भटेले ने कब्जा किया और अपने नौकर बिठाए, वहाँ गुंडे बिठाए, शराब बिकवाई और सारे काम किए, और हमने अपना मकान अपने कब्जे में ले लिया तो हमारी पिटाई लगवाई और वहाँ गोली चलवाई है। हमारे बेटे को गोली लगी है, वरुण शर्मा एडवोकेट को। आपकी पिटाई किसने लगाई थी? इन्हीं पुलिस वालों ने गिरा गिरा के मारा है सड़क पे फोर्स ने, और पूरी हमारी महिलाओं को घसीटते हुए लेके आए चौराहे तक, पूरा जलूस निकाला है।